हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, व्हिच सेज दैट इफ यू एवर सेट ए व्हिच इज इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इज इक्वल टू 2.3 एंड सी इज इक्वल टू 3.4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी यूनियन सी एंड ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटरसेक्शन सी। ये मल्टीप्लीकेशन जब हम सेट्स की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं जब हम सेट्स की बात करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट सेट में से एक एलिमेंट लेते हैं और सेकंड सेट में से एक एलिमेंट लेते हैं और उसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स जो है वो फर्स्ट सेट में से बिलोंग करता है और वाई सेकेंड सेट में से बिलोंग करता है। किस तरह, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले बी यूनियन सी करेंगे, हम बी और सी का यूनियन ले लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व पहले करना है हमें। ठीक है, तो बी यूनियन सी हमने किया, बी वॉज 2.3, सी इज 3.4, सो अब आप इसका यूनियन कीजिए तो इट विल बी 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, तो दैट इज द यूनियन ऑफ बी यूनियन बी एंड सी। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेनी है। तो ए इज ए कॉमा बी और बी इन यूनियन सी जो हमारे पास आया वो आया 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब आपको मैंने क्या समझाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से होती है, हम लोग इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं जिसमें एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। ठीक है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होते हैं जिसके अंदर एक्स जो है ना वो फर्स्ट सेट में से बिलोंग करता है और y जो है ना वो सेकेंड सेट में से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास पहला सेट था a कॉमा b, दूसरा सेट था 2, 3, 4। अब आप इसके ऑर्डर पेयर्स बनाइए, तो a आया फर्स्ट सेट में से, 2 आया सेकेंड सेट में से। ठीक है जी, इसी तरह a3 आया फर्स्ट सेट में से, b आया सेकेंड, a3 जो आया वो सेकेंड सेट से आया। इस तरीके से आप इनके ऑर्डर्स बना लीजिए, a4 देन b2 b3 एंड b4, b2 b3 एंड b4। दिस इज व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स बेसिकली। ठीक है जी, दिस इज हाउ इट इज सॉल्व। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये आप बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, कितनी बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कितने ऑर्डर सेट बनेंगे, आप इनके ऑर्डर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस सेट का ऑर्डर कितना था, इट वॉज 2। ठीक है, और इस सेट का ऑर्डर कितना था, इट वॉज 3 बेसिकली। तो आप 2 × 3 इज वॉट, इट इज इक्वल टू 6। तो आपके पास 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड वाले को हम देख लेते हैं, इट इज ए एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी से। आप सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लीजिए, तो आपने बी रखा, सी रखा, दोनों सेट रख लिए। अब आप इनमें से इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट देखिए, तो 2 इसमें है, बी में है, सी में नहीं है, 4 सी में है, बी में नहीं है, बट 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी और सी दोनों में मौजूद है। तो आप इसका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट चेक करें तो इट इज ओनली 3। ठीक है, तो ये आपके पास इनका इंटरसेक्शन आ गया। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड ए। ए हमारे पास मौजूद है विच इज ए एंड बी, और सी बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास आया इट इज 3 बेसिकली। ठीक है, तो अब आप इनके ऑर्डर पेयर जैसे अभी हमने बनाए थे ऐसे ही बना लीजिए। सो कितने बनेंगे, इट इज द ऑर्डर ऑफ ए इज 2 एंड द ऑर्डर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज 1। सो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे, कौन से, a3 एंड b3। तो ये हमारे पास 2 जो है वो ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द बेसिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। This is how we can find the union and this is how we can find the intersection. तीनों चीज़ें मैंने आपको explain कर दी। Set की एक छोटी सी definition बता देना चाहूँगा, that what is a set? Set is basically a collection of distinct objects, okay? हम अलग अलग objects को collect करके एक collection उनकी बनाए, हम लोग different होने चाहिए, उस collection को हम लोग क्या कहते हैं, that is called set, okay? उसके डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इस टॉपिक में हमने ये सवाल डिस्कस किया पास पेपर का और इसके जनरल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।